नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज का ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो बीएससी पार्ट वन की छात्राओं के लिए है। बीएससी पार्ट वन के टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के पेपर से चैप्टर स्टडी ऑफ यार्न, सूत्र का अध्ययन, इस विषय पर आज मैं कुछ छात्राओं से चर्चा करने जा रही हूँ। यार्न का मतलब होता है सूत्र या फिर धागा। इसके पिछले कुछ स्लाइड्स में, कुछ जो वीडियो लेक्चर्स थे, उसमें हमने देखा कि फाइबर या तंतु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था कॉटन, लिनन, सिल्क, वूल, रेयन, नायलॉन, बहुत से प्रकार के जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो हमें मिलते हैं। और इन फाइबर से अब हम आगे जो है वो यार्न तैयार करते हैं, धागे तैयार करते हैं। क्योंकि धागा यदि हमारे पास नहीं होगा तो आगे की जो प्रोसेस होगी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए धागे का निर्माण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में। तो आज हम देखेंगे कि धागे का निर्माण, तंतु से धागे का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सूत का निर्माण और कताई, यार्न कंस्ट्रक्शन एंड स्पिनिंग। वस्त्र निर्माण की साधारण इकाई जो है, जैसा कि हम जानते हैं, तंतु या फाइबर होता है, क्योंकि फाइबर ही वो माइक्रो यूनिट है जिसकी सहायता से हम आगे फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर से क्या बनाता, पहले क्या बनेगा, यार्न बनेगा, सूत्र बनेगा। वस्त्र निर्माण की साधारण इकाई तंतु है। इन तंतुओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से प्राप्त कर लेने के पश्चात यह जानना आवश्यक है कि वस्त्र निर्माण हेतु तंतुओं की मौलिक अवस्था में कैसे और क्या परिवर्तन करने होंगे, ठीक है, जिससे कि ये आगे अच्छी तरह से इससे हम धागे का या सूत का निर्माण कर सके। तो सूत का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ यार्न। सूत या यार्न जो है वह शब्द है जो अविरल या लंबे धागे के लिए प्रयोग किया जाता है। तंतु से सूत का निर्माण क्रिया कताई कहलाती है, ठीक है। तंतु से सूत के जो निर्माण की क्रिया होती है वो स्पिनिंग या कताई कहलाती है। और कताई वस्त्र निर्माण की विधि का सबसे पहला सोपान होता है। और कताई कैसे होता है, क्योंकि जब तक हम कताई नहीं करेंगे, तंतु से धागा तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम आगे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये कहा गया है कि कताई वस्त्र निर्माण की विधि का सबसे पहला या प्रथम सोपान है। लॉयल ने अपनी पुस्तक मॉडर्न टेक्सटाइल में सूत के लिए कहा है कि सूत जो है वो तंतु और वस्त्र की रिक्तता या खालीपन को पाटने का सेतु है। सूत बुनाई से, नीटिंग से, ब्रेडिंग से, लेसिंग से, ये सारी जो है डिफरेंट विधियां होती हैं जिनसे कि हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो वस्त्र निर्माण के लिए ये एक आधारभूत तत्व है, ठीक है। तंतु या सूत जो है वो वस्त्र निर्माण के लिए एक आधारभूत तत्व है। तंतु से ही हम सूत का निर्माण करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है नेचुरल फाइबर्स दिख रहे हैं, बीच में कॉटन रखा हुआ है, सिंथेटिक फाइबर है, वूल है, है ना। तो इन सब से, ये तो तंतु के फॉर्म में हो गए। अब इस तंतु से, इस फाइबर से हम आगे स्पिनिंग की प्रोसेस करके, कताई की प्रक्रिया करके यार्न कंस्ट्रक्शन करेंगे, सूत्र का निर्माण करेंगे। सूत का निर्माण तंतुओं को समूह में खींचकर और उसमें हल्का सा एटन देकर या ट्विस्ट देकर अविरल या पूरी लंबाई के धागे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया कताई या स्पिनिंग कहलाती है। तंतुओं में जो आपस में सटने का गुण होता है या फिर उसमें जो प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी होती है, रेजिलेंसी होती है, इन सब उसके गुणों के कारण ही सूत का निर्माण जो है वो संभव हो पाता है। जैसे कि ऊन, ऊन जो होता है इसमें शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। कपास में या कॉटन के तंतुओं में एठन पाई जाती है। तो ये जो इसके गुण होते हैं, इसके कारण इससे सूत के निर्माण में बहुत ही आसानी होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि तंतुओं के जो गुण हैं ये सूत निर्माण में सहायक होते हैं।
रेशे जितने एक रूप होंगे, एक समान होंगे, उनमें जितने अच्छे गुण होंगे उतने ही उनसे अच्छी किस्म का रेशा जो है या तंतु जो है, सॉरी धागा जो है वो तैयार किया जा सकेगा। तो अच्छा धागा जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे तंतु की किस्म क्या है, कौन से प्रकार का तंतु उपयोग में लाया जा रहा है, उसमें ऐठन कितनी है, उसमें कौन सा मतलब किस तरह से उसकी कौन सी हम विधि प्रयोग में ला रहे हैं। स्पिनिंग की भी दो विधियां होती है, उसमें से कौन सी विधि हम कताई के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। तो देखा जाए तो तंतु का प्रकार, उसकी किस, उसमें पाया जाने वाला ऐठन या उसमें इलास्टिसिटी रेजिलेंसी जो भी उसके गुण है वो, और कौन सी प्रक्रिया कताई की कौन सी प्रक्रिया हम उपयोग में ला रहे हैं, इन सब बातों पर सूत की किस्म जो है वो निर्भर करती है। इस स्लाइड में देखिए आपको नीचे की तरफ एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें जो तंतु या जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के दिखाए गए हैं, लघु आकारी तंतु या दीर्घ आकारी तंतु। लघु आकारी तंतु मतलब स्टेपल फाइबर जिनकी लेंथ कम होती है, और फिलामेंट फाइबर मतलब जिनकी लेंथ अच्छी होती है। तो स्टेपल फाइबर में या ऐसे फाइबर जिनकी लेंथ या लंबाई कम है उनमें मुख्य रूप से कॉटन, लिनन, इस टाइप के जो भी फाइबर है वो आते हैं, और फिलामेंट फाइबर जो होते हैं वो सारे नेचुरल फाइबर्स में से केवल सिल्क रेशम जो है ऐसा फाइबर है जो कि फिलामेंट फाइबर होता है, इसकी लंबाई काफी अच्छी है होती है, और बाकी के जो सारे आर्टिफिशियल या जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या मैनमेड फाइबर्स होते हैं, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे जो होते हैं फिलामेंट फाइबर के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। वस्त्र निर्माण में रेशे जो है वो लघुत्तम इकाई या माइक्रो यूनिट होते हैं, ठीक है, और ये एक तरह से वस्त्र निर्माण के लिए रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेशे जितने एक रूप होंगे, एक जैसे, एक समान होंगे, सूत उतना ही समतल और उत्तम गुणों वाला तैयार होगा। इसमें दिखाया, इस स्लाइड में देखिए आपको दिखाया गया है स्पन यान और फिलामेंट यान। स्पन यान में आप देख रहे हैं स्टेपल फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स जो है उसको एक साथ करके उसको फिर क्या किया गया है, समान एक समतल रूप में करके आगे उसमें फिर ट्विस्ट दिया गया है, और ट्विस्ट देकर फिर उससे धागा बनाया जा रहा है। उसी तरह से फिलामेंट यान जो है उसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, फिलामेंट यान जो है जो थिक सॉल्यूशन हमको मिलता है उसको स्पिन रेट में से निकाला जा रहा है, और उससे निकलकर ये फिलामेंट फाइबर के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। कताई के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पिनिंग, कताई के भी प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से दो तरह की कताई होती है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई मतलब मैकेनिकल स्पिनिंग, और केमिकल स्पिनिंग मतलब रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई से जो धागा प्राप्त होता है वो होता है लघु आकारी धागा, या लघु आकारी जो धागे होते हैं स्टेपल फाइबर उसमें हम मैकेनिकल स्पिनिंग की प्रोसेस करते हैं, और जो फिलामेंट फाइबर होते हैं दीर्घ आकारी तंतु होते हैं उनकी हम केमिकल स्पिनिंग करते हैं। स्टिपल फाइबर में दो तरह से स्पिनिंग की प्रोसेस दिखाई गई है, कन्वेंशनल मेथड होती है एक परंपरागत विधि, और दूसरी होती है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। फिलामेंट फाइबर के लिए आप इस तरफ देख रहे हैं, फिलामेंट फाइबर की स्पिनिंग जो है वो तीन तरह से की जाती है, एक तो होती आर्द्र कताई वेट स्पिनिंग, दूसरा सूखी कताई ड्राई स्पिनिंग, और तीसरी जो है वो मेल्ट कताई या मेल्ट स्पिनिंग। अब परंपरागत और डायरेक्ट जो दिखाई गई है स्पिनिंग की मेथड, तो परंपरागत मेथड जो है कन्वेंशनल मेथड है उसमें मुख्य रूप से हम तकली या चरखे के द्वारा स्पिनिंग का काम, कताई का काम करते हैं, और इससे हम कहते हैं स्पिंडल या फिर लूम, ठीक है, तकली या चरखे के द्वारा। और जो डायरेक्ट स्पिनिंग होती है, प्रत्यक्ष जो विधि होती है उसमें हम रिंग व म्यूल फ्रेम होता है उसकी सहायता से हम कताई का या स्पिनिंग का कार्य करते हैं। कताई अब क्या है, ठीक है, स्पिनिंग क्या है, तो कताई धागे के निर्माण का अंतिम चरण होता है। रोविंग की क्रिया के बाद प्राप्त धागे को कताई मशीन पर चढ़ा दिया जाता है। कताई वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसमें तंतुओं के समूह को खींचा जाता है और उसमें एटन या फिर ट्विस्ट दी जाती है ताकि हमें निरंतर अविरल धागा प्राप्त हो सके। इस मशीन में जो स्पिनिंग मशीन होती है उसमें कई रोलर्स लगे होते हैं और ये काफी तेज गति से घूम रहे होते हैं, धागों को इन रोलर्स से गुजारा जाता है।
कताई मशीन जो होती है, स्पिनिंग की जो मशीन होती हैं, उनमें धागा जो है काफी बारीक महीन तैयार होता है और हम इसे अपनी इच्छा अनुसार लंबाई का बना सकते हैं। स्पिनिंग मशीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, रिंग फ्रेम मशीन और दूसरी म्यूल फ्रेम मशीन। रिंग फ्रेम मशीन जो है उसकी प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है, इसमें सैकड़ों स्पिंडल्स या चकली जो होते हैं वो लगे होते हैं, जो कि एक मिनट में हजारों चक्कर लगाती हैं। तो इसमें धागों का उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है और इनसे प्राप्त धागा जो होता है म्यूल फ्रेम से प्राप्त धागे से निम्न श्रेणी का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गति काफी तीव्र होती है, बहुत कम समय में बहुत अधिक उत्पादन होता है और जो उत्पादन होता है वो अच्छे किस्म का नहीं होता, ठीक है। और दूसरा जो है स्पिनिंग का जो दूसरा प्रकार है उसमें है म्यूल फ्रेम से स्पिनिंग। तो म्यूल फ्रेम जो होती मशीन ये काफी धीरे धीरे चलती है और इसमें उत्पादन जो होता है काफी धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब एक प्रोसेस खत्म होती है तो दूसरी प्रोसेस शुरू होती है और जब वो प्रोसेस चलती रहती है तो पहली वाली प्रक्रिया या प्रोसेस जो होती है वो बंद रहती है। जैसे इसमें खींचने और ऐठन देने की क्रिया जो होती है तब रुक जाती है जबकि आगे की तरफ धागे को लपेटा जा रहा होता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया काफी धीरे चलती है और धीरे चलने के कारण इसमें उत्पादन भी काफी धीमी गति से होता है, लेकिन इससे जो धागे प्राप्त होते हैं वो अति उत्तम किस्म के धागों का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं कताई के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पिनिंग। इसमें कताई के दो प्रकार जो होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं, देखे जाते हैं, यांत्रिक कताई मैकेनिकल स्पिनिंग और दूसरी है रासायनिक कताई या केमिकल स्पिनिंग। यांत्रिक कताई जो होती है इसका उपयोग हम छोटे छोटे जो फाइबर्स होते तंतु होते हैं उनसे लंबा धागा बनाने की जो प्रक्रिया या विधि होती है वो यांत्रिक कताई की विधि कहलाती है। और यह विधि जो होती है मुख्य रूप से कपास और लिनन जैसे तंतु हैं उनके लिए उपयोग में लाई जाती है। और इसके अंतर्गत मतलब यांत्रिक कताई जो है मैकेनिकल जो स्पिनिंग है उसके अंतर्गत भी दो विधि होती है जिनके द्वारा कि हम यांत्रिक कताई का कार्य करते हैं, और वो होती है कन्वेंशनल मेथड और दूसरी होती है डायरेक्ट मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड या परंपरागत कताई की जो विधि होती है वो मुख्य रूप से चरखे के द्वारा और तकली के द्वारा की जाती है। तकली स्पिंडल और चरखा मतलब लूम, ठीक है। तो लूम तो आजकल, पहले पुराने समय में हैंडलूम्स हुआ करते थे जो कि हाथ से चलते थे, परंतु वर्तमान समय में या आधुनिक समय में लूम्स जो होते हैं वो पावर लूम में कन्वर्ट हो गए हैं, बदल गए हैं, जो कि मशीन होते हैं बिजली की सहायता से चलने वाले जो लूम्स होते हैं। तो परंपरागत कताई जो है वो मुख्य रूप से तकली द्वारा और चरखे के द्वारा की जाती है और साथ ही साथ डायरेक्ट स्पिनिंग भी होती है इसमें। तकली द्वारा प्राचीन काल में कताई का कार्य हाथों द्वारा किया जाता था, इससे समय और श्रम बहुत अधिक लगता था, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मनुष्य के समय और श्रम की बर्बादी होती थी क्योंकि समय ज्यादा लगता था और उत्पादन जो होता था धागे का वो कम होता था। तो इसलिए इस बर्बादी को रोकने के लिए बाद में तकली का आविष्कार हुआ। किस बर्बादी को? कि हाथ से यदि हम बहुत समय तक बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हाथ से जो स्पिनिंग होती थी उसके में समय की बर्बादी को रोकने के लिए तकली का आविष्कार, स्पिंडल का आविष्कार हुआ। इसमें एक धातु की 7 इंच लंबी छड़ होती है और उसके निचले भाग में धातु की एक गोल प्लेट होती है। धातु की छड़ जो होती है उसके ऊपर की तरफ एक हुक जैसी रचना होती है जिसका कार्य होता है धागे को पकड़कर रखना। सबसे पहले रुई या कच्चे पदार्थ को हुक में फंसा दिया जाता है, जो रॉ मटेरियल जो फाइबर जिससे हमें आगे धागा बनाना होता है उसे इस हुक में फंसा दिया जाता है, फिर उसे खींचा जाता है। जब यह कुछ लंबाई तक खींच जाता है तब धातु की प्लेट या जो स्पिंडल होता है हमारा उसको हम जोर से उसको घुमा देते हैं। घुमाने से क्या होता है, जैसे जैसे तकली घूमती है स्पिंडल घूमता है, धागे में ट्विस्ट पड़ता जाता है और उसकी बटाई की क्रिया जो होती है वो पूरी होती जाती है और इस तरह से बटे हुए धागे को प्लेट के पास ही लपेट लिया जाता है। और यह क्रिया बार बार की जाती है, दोहराई जाती है, जिससे धागे की लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। आज भी
और आज भी जब हम देखें तो कुछ ऐसे इंटीरियर या आदिवासी इलाके हैं जहां पर की तकली से धागा बनाने का कार्य किया जाता है। तकली के बाद या उसके साथ साथ ही चरखे का विकास हुआ, लूम्स का विकास हुआ। चरखे पर धागे का निर्माण तकली से जल्दी होता है, मतलब इसमें समय थोड़ा सा कम लगता है और इनसे अत्यधिक बारीक धागे तैयार किए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार के चरखे जो हैं वो देखे जाते हैं या लोकप्रिय हैं काफी ये। इसमें एक है यरवदा चरखा, दूसरा किसान चरखा और तीसरा है मगन चरखा। सभी चरखों में कताई का एक ही सिद्धांत होता है, धागे को खींचना, ड्रॉइंग आउट, बटाई देना ट्विस्टिंग और लपेटना या फिर वाइंडिंग। ठीक है, तो चरखे जो है मुख्य रूप से तीन चरखे जो है हमारे भारत में काफी लोकप्रिय हैं, जिनका उपयोग अभी भी किया जाता है, यरवदा चरखा, किसान चरखा और मगन चरखा। और इन सभी चरखों में जो इनका कार्य करने का जो इनके फंक्शन का जो सिद्धांत होता है प्रिंसिपल वो एक ही होता है, खींचना, बटाई देना और धागे को आगे रील में लपेटना। इसके बाद है डायरेक्ट स्पिनिंग या प्रत्यक्ष विधि। तो जो अधिक लंबे तंतु होते हैं जैसे रेशम का तंतु हो गया या फिर जितने भी आर्टिफिशियल कृत्रिम तंतु हो गए, इनकी हम स्पिनिंग का कार्य इसमें प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। इसमें तकलियों का प्रयोग किया जाता है, स्पिंडल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि एक मिनट में कई हजार चक्कर लगाती है और स्पिनिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करती है। इस यंत्र में धागों का एक साथ तीन क्रियाएं होती है। इसमें जैसे आपने देखा चरखे में तीन क्रियाएं होती है, ठीक इसी तरह से डायरेक्ट स्पिनिंग या प्रत्यक्ष विधि से कताई में भी यंत्र में धागों पर एक साथ तीन क्रियाएं होती है, रोविंग किए हुए धागे की खिंचाई करना, उसकी बटाई करना और सूत्र को लपेटना। ये देखिए स्लाइड में आपको चरखा और तकली जो है वो दिखाया गया है, स्पिंडल और दोनों साइड पे लूम्स हैं। स्पिंडल में आपने देखा एक छड़ जैसी रचना है, उसके ऊपर उधर धातु की प्लेट लगी है और ऊपर की तरफ एक हुक लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से चरखे में दिखाया गया है कि किस तरह से स्पिनिंग का कार्य किया जा रहा है। अभी हम देख रहे थे यांत्रिक कताई या मैकेनिकल स्पिनिंग, जिसमें हमने दो विधियां देखी, कन्वेंशनल और डायरेक्ट मेथड। दूसरी जो कताई की विधि होती है वो होती है रासायनिक विधि या केमिकल मेथड के द्वारा स्पिनिंग करना, और इसे हम केमिकल स्पिनिंग कहते हैं। रासायनिक विधियों से कृत्रिम रेशे जो होते हैं जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ऑर्लॉन है, पॉलिएस्टर है, डेक्रॉन है, तो इस तरह के जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं जो कि आर्टिफिशियल मेथड से तैयार किए जाते हैं, जिनमें क्या होता है एक गाढ़ा घोल तैयार होता है और फिर इस गाढ़े घोल को हम स्पिन रेट के छिद्रों में से निकालते हैं, और जब ये धागे के रूप में बाहर निकलता है तो वातावरण के संपर्क में आकर ये सूख जाता है। धागा तैयार करने की यही जो विधि होती है वो रासायनिक कताई कहलाती है। ठीक है, धागा तैयार करने की जो ये केमिकल जो हमारी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस से जो धागा तैयार होता है, तो यही प्रोसेस जो है वो रासायनिक कताई या केमिकल स्पिनिंग कहलाती है। इसमें केवल स्त्रवण व कड़ा करने की प्रक्रिया होती है, मतलब जब स्पिन रेट में से धागा निकलता है उसको निकालते हैं हम, और उससे कड़ा करने की जो प्रक्रिया होती है, स्पिन रेट से निकलने वाले पदार्थ को सुखाने की व्यवस्था इसमें तीन विधियों द्वारा की जाती है। ठीक है, जब ये रेशा स्पिन रेट में से निकलता है बाहर आता है तब उसको जो सुखाया जाता है, तो सुखाने की जो व्यवस्था होती है उसमें वो तीन विधियों द्वारा की जाती है, और इसी आधार पर रासायनिक कताई जो है वो भी तीन प्रकार की होती है। कौन से तीन प्रकार की? सूखी कताई, शुष्क कताई या ड्राई स्पिनिंग, आर्द्र कताई इसे हम कहते हैं गीली कताई या फिर वेट स्पिनिंग, मेल्ट कताई। ठीक है, तो ये तीन जो है मुख्य रूप से केमिकल स्पिनिंग होती है, ड्राई स्पिनिंग, वेट स्पिनिंग और मेल्ट स्पिनिंग। ड्राई स्पिनिंग जो होती है, सूखी कताई जो है, जब तरल पदार्थ को ऐसे घोलक में घोला जाता है जो कि वाष्पीकृत हो जाता है, और स्पिनरेट से तरल पदार्थ स्रवित होने के बाद उसे गर्म हवा में कड़ा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो ड्राई स्पिनिंग की, सूखी कताई की कहलाती है। दूसरा है आर्द्र कताई या फिर वेट स्पिनिंग। जब रेशे के निर्माण के लिए तैयार गाढ़े घोल को
स्पिनरेट के बारीक छिद्रों में से रासायनिक पदार्थों से स्नान कराकर या धोकर कताई की प्रक्रिया की जाती है, तो यह प्रक्रिया आद्र स्पिनिंग या फिर वेट स्पिनिंग कहलाती है। तीसरी स्पिनिंग की मेथड होती है मेल्ट स्पिनिंग, जब गाढ़े घोल को हम स्पिनरेट में से निकालते हैं, उसके बारीक छिद्रों में से निकालते हैं, तो रेशे को ठंडी विधि से कड़ा किया जाता है, तब यह विधि कहलाती है मेल्ट विधि या मेल्ट स्पिनिंग। चौथा है बायोकंपोनेंट। बायोकंपोनेंट मतलब इसमें इस प्रकार की कताई में जो पॉलीमर फाइबर्स होते हैं, जो पॉलीमर सॉल्यूशन होता है, उसको एक नहीं कई बार अलग अलग स्पिनरेट के छिद्रों से निकालकर खींचकर ऐठन दिया जाता है और फिर आगे रील में लपेटा जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो रासायनिक कताई की विधियां हैं जिनके द्वारा कि हम फाइबर से रेशे तैयार करते हैं। ये देखिए इसमें केमिकल स्पिनिंग स्लाइड में दिखाई गई है। पहली तरफ दिखाया गया है लेफ्ट साइड पे मेल्ट स्पिनिंग, जहां पे आप पॉलीमर डाल रहे हैं उस पे और इसमें कूल एयर जो है स्पिनरेट से निकल के आके इधर आ रहा है और धागा नीचे की तरफ तैयार हो रहा है। दूसरे में ड्राई स्पिनिंग दिखाया गया है, जिसमें आपने सॉल्यूशन को ऊपर थिक सॉल्यूशन गाढ़े घोल को ऊपर हमने उसमें डाला है, वो स्पिनरेट में से आ रहा है और जो उसका घोल पदार्थ है वो एवापोरेट हो रहा है, वाष्पीकृत हो जा रहा है और हमें रेशा प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी तरह से तीसरे डायग्राम में दिखाया गया है वेट स्पिनिंग। ठीक है, वेट स्पिनिंग दिखाई गई है आद्र कताई, जिसमें सॉल्यूशन ऊपर स्पिनरेट आकर स्पिनरेट से निकल रहा है और नीचे की तरफ कुछ सॉल्वेंट दिखाए गए हैं जो ठंडी करने की विधि होती है, उससे हम उसको करके आगे उससे नहलाकर या उससे धोकर हम रासायनिक पदार्थ से उसको आगे की तरफ निकाल रहे हैं और फाइबर से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से केमिकल स्पिनिंग जो होती है वो पूरी की जाती है। अब हम देखेंगे कि धागा निर्माण की क्या अवस्थाएं हैं, ठीक है, क्या स्टेजेस होते हैं। अभी हम स्पिनिंग देख रहे थे, स्पिनिंग के प्रकार देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि धागे के निर्माण की कौन कौन सी स्टेजेस या अवस्थाएं होती हैं। धागा निर्माण की प्रक्रिया में तंतु अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है और अंततः हमें महीन और अविरल धागा प्राप्त होता है। इसमें जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो होती है पीकिंग की। इस मशीन में कच्चे माल को डाला जाता है, यहाँ तंतु को साफ करके उसकी चादरें या उसकी शीट जो होती लंबी लंबी लैप्स जिसे हम कहते हैं वो बनाई जाती है। दूसरी प्रक्रिया होती है कार्डिंग की या धुनाई करने की। इस शीट को, तंतु की शीट को हम आगे ब्लो रूम में भेज देते हैं, ब्लो रूम में कार्डिंग मशीन्स होती हैं, उस पर की इसकी धुनाई होती है, साफ सफाई अच्छे से की जाती है, अशुद्धियां निकलती हैं और इनकी पूनिया जो होती है वो बना ली जाती है। तीसरी जो प्रक्रिया होती है, तीसरी जो अवस्था होती है वो है कंघी करना या कोम्बिंग। सभी प्रकार के सूत्रों में ये प्रक्रिया नहीं की जाती, मेनली या मुख्य रूप से ये प्रक्रिया जो होती है कॉटन लिनन जैसे जो फाइबर होते हैं उन पर की जाती है, और जिस तंतु में ये प्रक्रिया की जाती है उनसे तैयार होने वाली पोनियों का नाम उसी तरह से होता है। जैसे कि कोम्बिंग की प्रोसेस के बाद यदि तंतु में कोम्बिंग की प्रोसेस की गई है तो यह कॉर्ड स्लाइवर से कोम्ब स्लाइवर में बदल जाता है। कॉर्ड स्लाइवर मतलब कार्डिंग की प्रोसेस के बाद जो हमें पोनी मिलती है, स्लाइवर मिलता है, वो कॉर्ड स्लाइवर होता है, और इस पे यदि हम कोम्बिंग की प्रक्रिया करते हैं तो ये कॉर्ड स्लाइवर से कोम्ब स्लाइवर में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से छोटे व बड़े रेशे अलग हो जाते हैं और इससे छोटे व बड़े रेशों को अलग करने में हमें मदद मिलती है। चौथी जो अवस्था होती है, चौथा स्टेज जो होता है वो होता है खींचना, ड्रॉइंग। खींचना मतलब इस प्रक्रिया में स्लाइवस जो होती है, जो पोनियां होती हैं, उनसे पतली पोनी में उनको बदला जाता है। रोविंग की प्रोसेस होती है जिसमें पोनियों को और अधिक खींचा जाता है, खींचकर उसे और पतला किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया होती है वो रोविंग की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो पांचवा स्टेज है वो है ऐठन देना या फिर ट्विस्टिंग। इस प्रक्रिया द्वारा पतली पोनी जो होती है से सूत बनाया जाता है। इससे मतलब दो तीन चार पुनियों के धागों को आपस में मिलाकर इनसे हम इसमें ऐठन देते हैं, ट्विस्ट देते हैं, और उनसे फिर एक धागा या एक सूत जो है वो बनाया जाता है। तो ये ट्विस्टिंग देने की प्रक्रिया होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है धागे निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में। छठवीं जो प्रक्रिया है वो है लपेटना या वाइंडिंग करना।
तो इस तरह से ऐठन देने के बाद, ट्विस्ट देने के बाद जो धागा तैयार होता है, सूत जो तैयार होता है, उसे आगे चरखियों में या फिरकियों में इसको लपेट लिया जाता है। इस तरह से ये धागा जो बनाने की, जो निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। कौन कौन सी थी इसमें? पिकिंग, ठीक था, पिकिंग है। फिर उसके बाद इसकी प्रोसेस थी कार्डिंग थी। कार्डिंग के बाद इसकी प्रोसेस क्या थी? पिकिंग, कार्डिंग हो गई। फिर इसकी कोम्बिंग करने की प्रक्रिया थी। फिर इसमें खींचने की प्रक्रिया होती है। फिर ऐठन दिया जाता है और ऐठन देने के बाद फाइनली जो धागा हमें प्राप्त होता है, सूत प्राप्त होता है, उसको लपेटने की क्रिया करके रील में लपेट लिया जाता है। इसमें देखिए, इस स्लाइड में नीचे की तरफ आपको कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पहले में दिखाया गया है रॉ मटेरियल है, कॉटन फाइबर दिखाया गया है आपको, ठीक है, कपास का तंतु है। इसको आगे हम कहाँ भेज रहे हैं? बेल फॉर्म में। बेल फॉर्म मतलब इसके बंडल बनाकर इसको हमने आगे प्रोसेस के लिए भेजा है, ब्लो रूम में प्रोसेस के लिए भेज दिया है। और ब्लो रूम में जो बेल ओपनर मशीन्स होती है, जो बंडल्स होते हैं, उनको वहां पे मशीन में भेजा जाता है, जहां ये बंडल्स को खोलकर इनकी साफ सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं। वहां पे आपने देखा कि रॉ मटेरियल आया, उसके बंडल्स बेल बनाकर उसको हमने बेल रूम में भेज दिया, मशीन में भेज दिया, ठीक है। उस मशीन में जब काम खत्म होता है तो ये आगे की तरफ आते हैं, कार्डिंग मशीन में आते हैं। कार्डिंग में धुनाई का काम होता है, जहां से उसके साफ सफाई या अशुद्धियां दूर होती हैं। फिर कार्डिंग की प्रोसेस में हम कोनिया या स्लाइवस तैयार करते हैं। यहां से मशीन जो है, धागे जो है, वो आगे कहां जाते हैं? कोम्बिंग मशीन में जाते हैं। कोम्बिंग मशीन में सभी धागों की कोम्बिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, कुछ धागे होते हैं जिनमें कोम्बिंग की प्रक्रिया होती है। इसके बाद कोम्बिंग की प्रोसेस के बाद इसको ड्रॉइंग मशीन जो होता है खींचने के लिए, धागे को देख रहे हैं आप पीछे की तरफ चित्र में, लेफ्ट में दिखाया गया है, ड्रॉइंग मशीन रखी है जिसमें कि फाइबर को खींचा जा रहा है ना। तो खींच कर फिर इससे फाइनली इसमें ट्विस्ट देने की प्रक्रिया दिखाई गई है। बीच में एस और जेड ट्विस्ट जो होती है, ऐठन वो दो प्रकार की होती है, एस आकार की और जेड आकार की। तो इसमें धागे में ट्विस्ट दिया जाता है और फाइनली हम लास्ट चित्र में देख रहे हैं इसको स्पिनिंग मशीन में, मॉडर्न स्पिनिंग मशीन दिखाई गई है, जहां पर कि दो तीन धागे, जैसे हमें धागे की मोटाई चाहिए, थिकनेस चाहिए, उसके हिसाब से आप चित्र में देख सकते हैं, दो तीन धागे जो है उनको एक साथ मिलाकर ट्विस्ट देकर एक धागा तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से धागे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी संपन्न होती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फाइबर जो है, इस चित्र में स्लाइड में देख सकते हैं आप फाइबर को हमने ब्लो रूम में प्रोसेस के लिए भेजा। प्रोसेस के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है? इसमें कार्डिंग की प्रोसेस हो रही है। कार्डिंग के बाद इसकी कोम्बिंग होती है, फिर ड्रॉइंग होती है, फिर रोविंग होती है और उसके बाद फिर यान तैयार होता है। यान तो हमने देखा कि किस तरह से फाइबर से यान तैयार हुआ, सूत तैयार हुआ। इस सूत की गणना कैसे की जाती है, यान नंबरिंग क्या होता है? तो कताई की प्रक्रिया में तंतु में कि जो मूल मात्रा का वजन होता है, मतलब इसमें स्पिनिंग की प्रोसेस में आप जितने वजन का फाइबर ले रहे हैं, ठीक है, तंतु की मूल मात्रा का वजन और कच्ची सामग्री द्वारा तैयार किए गए सूत्र की लंबाई के बीच सीधा संबंध होता है, ठीक है। किसमें संबंध होता है? जो फाइबर हम ले रहे हैं, तंतु की मूल मात्रा, ठीक है, जैसे हमने 50 ग्राम लिया या 50 किलो हमने फाइबर लिया, तंतु की मूल मात्रा का वजन 50 किलो है, और कच्ची सामग्री द्वारा तैयार किए गए सूत्र की लंबाई के बीच, सूत्र की लंबाई, अब हमने 50 किलो हमने तंतु ले लिया उसका वजन और उससे धागा तैयार हुआ 100 मीटर लंबा, ठीक है ना। तो इस तरह से वजन और उसकी लंबाई के बीच में सीधा संबंध होता है और इसके द्वारा ही हम यान नंबरिंग या सूत्र की गणना करते हैं। इस संबंध द्वारा सूत्र की मोटाई का पता लगाया जा सकता है। खींचने की प्रक्रिया द्वारा सूत्र को किस सीमा तक खींचा जा सकता है, इसे सूत की मोटाई ज्ञात की जा सकती है और इस मोटाई को संख्या में प्रदर्शित किया जाता है और इसे ही हम सूत्र गणना या यान नंबरिंग कहते हैं। फिर है सूत्रों में ऐठन, यान ट्विस्ट क्या होता है ना। जैसे आपने अभी देखा धागा निर्माण की जो अवस्था है, जो स्टेज है, उसमें ऐठन दी जाती है। तो ये ऐठन होती क्या है? तो सूत्रों में ऐठन की मात्रा किसी वस्त्र की मजबूती, उसकी उपयोगिता और उसके आकार और आकृति को निर्धारित करती है। सूत्र में जिनमें ऐठन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, ऐसे सूत जिनमें ऐठन की मात्रा अधिक होती है वो उच्च कोटि के
सूत होते हैं, धागे होते हैं और इनसे उच्च कोटि के ही वस्त्र का निर्माण होता है। ताने के सूत्र में हमेशा बाने के सूत्र की तुलना से अधिक ऐठन दी जाती है। ठीक है, वारप्यान जो होता है उसमें वेफ्ट की अपेक्षा अधिक पृष्ठ दी जाती है। क्यों? क्योंकि वारप्यान हमारे फैब्रिक में, वस्त्र में लंबाई में होता है और लंबाई में होने के कारण इस पर बहुत अधिक तनाव या खिंचाव पड़ता है। तो इसलिए ताने के सूत्रों में हमेशा ऐठन की मात्रा जो होती है वो बाने की अपेक्षा अधिक होती है। अधिकांश वस्त्र जो है सामान्य ऐठन वाले सूत्रों से तैयार किए जाते हैं। सामान्य ऐठन की वह मात्रा जो तंतुओं को आपस में बांधने के लिए पर्याप्त होती है, ताकि तंतु बिखरे नहीं और सूत्रों में या धागों में पर्याप्त मजबूती रहे। ठीक है, तो इसलिए हम हर धागे में ऐठन देते हैं। ऐठन की मात्रा जो होती है उसको प्रति इंच ऐठन की संख्या द्वारा नापा जाता है, नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंच, या इसे हम कहते हैं TPI। ठीक है, तो इस तरह से ऐठन की जो मात्रा होती है उसको नापने के लिए हम प्रति इंच ऐठन की संख्या जो होती है उसको देखते हैं। इस आधार पर ऐठन की मात्रा इस प्रकार होती है, निम्न ऐठन या लो ट्विस्ट। लो ट्विस्ट जो होती है वो 0 to 3 TPI। टीपीआई मतलब ट्विस्ट पर इंच। 0 to 3 ट्विस्ट पर इंच यदि है तो वो लो ट्विस्ट फैब्रिक होगा। ऑर्डिनरी ट्विस्ट में 4 to 7 TPI ट्विस्ट पर इंच सामान्य ऐठन। ठीक है, ऑर्डिनरी जो ट्विस्ट है 4 to 7 TPI और हाई ट्विस्ट या उच्च ऐठन जो है वो 8 to 12 TPI ट्विस्ट पर इंच। तो इस तरह से हम प्रति इंच ट्विस्ट की संख्या देखकर फैब्रिक को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो किस तरह का फैब्रिक है। सूत्रों में ऐठन या तो दाई ओर से दी जाती है या फिर बाई ओर से दी जाती है। ठीक है, या तो राइट साइड से हम ट्विस्ट देते हैं या फिर हम लेफ्ट साइड से ट्विस्ट देने का काम करते हैं। तो दाई ओर से दी जाने वाली जो ऐठन या ट्विस्ट होती है उसको अंग्रेजी के जेड आकार की ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है, आप देखिए इस डायग्राम में आपको नीचे जो दिखाया गया है उसमें जेड ट्विस्ट और एस ट्विस्ट को दिखाया गया है। दाई ओर से दी जाने वाली ऐठन को जेड आकार की और जो बाई ओर से दी जाने वाली ऐठन है उसे एस आकार की ऐठन कहा जाता है। और सामान्य बुनाई के लिए सूत्रों में जेड आकार की ऐठन दी जाती है। इसके बाद होते हैं प्लाई यान। प्लाई यान क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक सूत्रों को एक साथ ऐठन दिया जाता है तो उसे हम प्लाई यान कहते हैं। इन्हें इनकी संख्या के आधार पर 2-ply, 3-ply जैसे नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप इसमें जो स्लाइड में आपको चित्र दिखाया गया है उसे देख कर समझ सकते हैं। पहले चित्र में दो धागों को मिलाकर बनाया गया है, नीचे एक धागा एस आकार में इसमें ट्विस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, ऐठन कैसे दी जा रही है? एस शेप में। दूसरा जो चित्र है उसमें तीन आपको रेशे दिख रहे हैं, मतलब 1, 2 और 3, तो इस तरह को हम इसको 3-ply yarn कहेंगे, नेक्स्ट में 4-ply yarn कहेंगे। मतलब जितने धागे को आप मिलाकर, ठीक है ना, दो धागे मिले हैं तो 2-ply yarn, तीन मिला है तो 3-ply yarn, चार धागे को मिलाकर एक धागा बना रहे तो उसको 4-ply yarn, इस तरह से प्लाई यान जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब हम देखेंगे धागा तो तैयार हो गया। ठीक है, धागा तैयार करने के लिए तंतु से धागा तैयार करने के लिए हमने उसकी स्पिनिंग की, स्पिनिंग करके फिर हमने उससे धागा बनाया। धागा बनाने की विभिन्न अवस्थाएं भी हमने देखी। अब हम ये देखेंगे कि जो धागा तैयार हुआ है वो कितने प्रकार का होता है ना, टाइप्स ऑफ यान। धागा जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, साधारण धागे सिंपल यान और दूसरा है जटिल या मिश्रित धागा कॉम्प्लेक्स यान, या इसे ही हम नॉवेल्टी या फैंसी यान के नाम से भी जानते हैं। तो साधारण धागा जो होता है जिनकी रचना केवल एक ही वर्ग के रेशे से होती है वे साधारण धागे या सिंपल यान कहलाते हैं और ये पूरी लंबाई में एक समान व्यास और ऐठन के होते हैं। साधारण धागे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे आप एक टेबल में देख रहे हैं चार्ट में। सिंपल यान चार प्रकार के इसमें दिखाए जा रहे हैं, इकहरा धागा सिंगल स्ट्रैंड यान, दोहरा धागा डबल स्ट्रैंड यान, बहुरेशीय धागा मल्टी स्ट्रैंड यान और केबल या कॉर्ड यान। तो इस तरह से सिंपल यान के चार प्रकार इसमें दिखाए गए हैं।
दूसरा है जटिल या मिश्रित धागे, या जिसे हम कॉम्प्लेक्स यान या नॉवेल्टी या फैंसी यान भी कहते हैं, जब विभिन्न रेशों को मिलाकर ऐठन देकर कई प्रकार के धागे बनाए जाते हैं तो इन्हें हम जटिल, मिश्रित या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर नॉवेल्टी या फिर फैंसी यान जो है वो कहते हैं। इसमें दी जाने वाली ऐठन की मात्रा जो ट्विस्ट होती है उसकी मात्रा को कम या अधिक करके या फिर कहीं कहीं पर बिना ट्विस्ट के ही कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाता है। इससे धागे में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण ये धागे दिखने में सुंदर और आकर्षक लगते हैं और इसलिए इन्हें फैंसी धागा या नॉवेल्टी धागा भी कहा जाता है, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। जटिल धागा जो होता है, कॉम्प्लेक्स यान होता है, उसकी रचना में मुख्य रूप से तीन धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे का प्रयोग आधार देने के लिए उसके बेस के रूप में किया जाता है, दूसरे धागे से आधार वाले या बेस वाले भाग में डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है, और तीसरे धागे का प्रयोग जो है इन दोनों को धागों को बांधने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से तीन धागों का प्रयोग होता है और ये धागे सजावट के उद्देश्य से, कॉम्प्लेक्स यान्स जो होते हैं, जटिल धागे जो होते हैं, ये मुख्य रूप से सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जटिल या मिश्रित धागे कई प्रकार के होते हैं, जैसे वक्राकार धागा, स्लब यान, इसमें धागे की पूरी लंबाई में हम थोड़ी थोड़े अंतर पर ट्विस्ट जो होती है थोड़ी सी ढीली देते हैं, ठीक है, हल्का हल्का इसमें ढीली ढीली मात्रा में ट्विस्ट दिया जाता है, जिससे इसमें एक वक्राकार रूप आ जाता है, इसका स्लब यान जो होता है तैयार होता है। दूसरा है परतदार धागा या फ्लैक यान, इसमें धागे के बीच थोड़े थोड़े अंतर पर हम कुछ मोटे गुच्छे जो होते हैं तंतु के जो होते हैं उनको डाल देते हैं या छोड़ दे देते हैं, जिससे ये कि इसका टेक्सचर जो है ये ऊपर से ये फ्लैक यान के रूप में, परतदार धागे के रूप में तैयार होता है। तीसरा है सर्पिल धागा या स्पाइरल धागा, इसमें मोटे धागे को ढीला छोड़ दिया जाता है और बारीक जो दूसरा धागा होता है उसको इस मोटे धागे के ऊपर स्पाइरल फॉर्म में लपेट दिया जाता है और फिर उसमें ऐठन दी जाती है, तो इससे स्पाइरल यान तैयार होता है। चौथा है रेटिने धागा, रेटिने यान, यह स्पाइरल यान के समान ही होता है, सर्पिल धागे के समान ही होता है, इसमें भी थोड़े थोड़े अंतर पर लूप या फंदे जो होते हैं वो छोड़े जाते हैं और उसे एक अलग धागे से फिर बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है गांठ वाला धागा या नॉट यान, इसमें एक धागा आधार का, बेस का काम करता है और दूसरे धागे को पहले धागे पर निश्चित अंतराल पर एक स्थान पर लपेटे जाते हैं, जिससे वहां पर एक गांठ जैसी रचना बन जाती है, गांठ जैसी रचना का होने का आभास होता है, तो इस तरह से नॉट यान्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ ग्रैंडल धागा, ग्रैंडल यान, जब दो या दो से अधिक रंगों के धागों को मिलाकर ट्विस्ट देकर एक धागा तैयार किया जाता है तो ये ग्रैंडल यान कहलाता है। नेक्स्ट स्ट्रेच यान, मानवकृत या रासायनिक धागों से, मानवकृत तंतु कौन सा है, रेयन है, और जो भी रासायनिक धागे होते हैं जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, डेक्रोन है, तो इन रासायनिक धागों से स्ट्रेच यान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी और रेजिलियंसी का गुण काफी अच्छा होता है और इसके कारण ये खींचते चले जाते हैं, तो इन धागों से मुख्य रूप से स्ट्रेच धागा जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कुंडलाकार धागा या कॉइल्ड यान, दो या दो से अधिक धागों को ऐठन देकर, ट्विस्ट देकर इसे बनाया जाता है। इसमें एक धागा जो होता है आधार का या बेस का काम करता है और दूसरे धागे से निश्चित दूरी पर इसमें भी लूप्स या फंदे बनाए जाते हैं, जिससे इसकी सरफेस या इसकी सतह जो होती है कॉइल के फॉर्म में दिखाई देती है और इस तरह से कॉइल यान जो है वो तैयार होता है। और नेक्स्ट है लास्ट टेक्सचर्ड यान, टेक्सचर्ड यान ये भी स्ट्रेच यान का ही विकसित रूप होता है, किसी का ही डेवलप्ड फॉर्म होता है, इसे भी हम नायलॉन के ही धागे से बनाते हैं क्योंकि इसमें यदि इलास्टिसिटी और रेजिलियंसी नायलॉन में होती है तो इससे हम इसके डिफरेंट टेक्सचर जो है वो तैयार कर सकते हैं और इससे हम अच्छे किस्म के टेक्सचर्ड यान जो है वो तैयार करते हैं। ये देखिए इस चित्र में, इस स्लाइड में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स या नॉवेल्टी यान्स के चित्र दिखाए गए हैं स्लाइड में, जैसा पहला है स्पाइरल,
स्पाइरल फॉर्म में दिख रहा है आपको रेटिने, नॉट बीच में देखिए गांठ के समान एक रचना दिख रही है, फिर स्पाइक जो है वो है, लूप तैयार किए गए हैं और स्लाबियान है। तो इस तरह से ये कुछ नॉवेल्टी या कॉम्प्लेक्स यान है जो हम तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यान जो है, धागा जो है, वो भी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। और उसके बाद एक तो सिंपल यान हो गया, सिंपल में आपने देखा सिंगल, एक रेशी, बहु रेशी, दो रेशी और कॉर्ड यान देखा। इसके बाद आपने नॉवेल्टी यान या फैंसी यान देखा, उसके विभिन्न प्रकार आपने देखे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने आज मुख्य रूप से ये जाना कि जो तंतु होता है वो हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में हमको मिले, चाहे आर्टिफिशियल फॉर्म से हमको मिले, ठीक है ना, चाहे वो हमको मानव इस एनिमल से प्राणी तंतु हो या पेड़ पौधों से मिलने वाला तंतु हो, कोई सा भी तंतु हो, हर तंतु से यान जो है, सूत जो है वो बनाया जाता है। तो सूत बनाने के लिए उसमें हम स्पिनिंग की क्रिया करते हैं, कताई की क्रिया करते हैं, और कताई की क्रिया से जो होती है वो धागा तैयार होता है। धागा की जो तैयार करने की विभिन्न अवस्थाएं हमने देखी, और जब धागा तैयार हो गया तो धागे कितने प्रकार के होते हैं वो हमने आज इस लेक्चर में जाना और समझा। ये लेक्चर जो है मैंने आपके लिए तैयार किया है, और ये आपको कैसा लगा, इसमें जो सामग्री मैंने आपको बताई है, पठन सामग्री जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझा सकूं पूरा, जितना ताकि आपको सारी बातें जो है इस विषय से संबंधित क्लियर हो सके कि तंतु से रेशे के निर्माण या धागे का निर्माण हम कैसे करते हैं, तंतु से धागा किस तरह से बनाया जाता है। आगे की अब हम लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट जो है तंतु। पहले हमने देखा था फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, फाइबर तंतु के बाद आज हमने देखा कि धागा, तंतु से धागा का निर्माण कैसे किया गया। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन धागों से वस्त्रों का निर्माण जो है वो किस तरह से किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।